कोरोना महामारी के चलते 75 दिन के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर परिचालन शुरू हो गया। शहर से आज 3 जिलों के लिए बसें रवाना हुई तो वहीं यात्रियों को सैनिटाइजर करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करवाई गई। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। बस स्टैंड की बात तो यहाँ पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे सबकी हर यात्री की स्कैनिंग हो रही है, उनका नाम लिखा जा रहा है, उनका पता लिखा जा रहा है, उसके बाद उनको टिकट देके गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हम अगर गाड़ी की बात करें, गाड़ी के अंदर देखें तो गाड़ी के अंदर भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है। जितने यात्री हैं, जितनी सीटें हैं, उतने ही सीटों पे अपने यात्रियों को बिठाया जा रहा है और खड़ा है, किसी भी यात्री को नहीं रखा जाएगा। हम अगर यात्री से बात करें तो उनसे पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उदयपुर जा रहा हूँ, गुजरात का रहने वाला हूँ, यहाँ फंस गया था, उदयपुर से अहमदाबाद जाऊँगा और वहाँ से मोरबी जाऊँगा। जैसे हमने इनसे बात करी कि ये यहाँ भीलवाड़ा में अटक गए थे, लॉकडाउन में यहाँ रह गए थे, अब वापस से मोरबी जा रहे हैं, वहाँ काम करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ ये रोडवेज के अधिकारी दिनेश जी, इनसे पूछते हैं ये किस तरह की व्यवस्था की है, क्योंकि ये हर यात्री की स्कैनिंग कर रहे हैं। तो दिनेश जी, आप किस तरह की व्यवस्था कर रखी है आप लोग? हमारे निगम प्रशासन ने कहा है कि जो भी पैसेंजर यहाँ से जाता है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर और उसका टेम्परेचर लेके ही गाड़ी में बिठाएं। अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसे 2 मिनट का इंतजार करें, हो सकता है धूप में आने के कारण टेम्परेचर हो, 2-4-5 मिनट का इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद भी नॉर्मल नहीं आता है तो हम यहाँ से बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल जाओ, अपना चेकअप कराइए। अब तक जो ये गाड़ी जो उदयपुर जा रही है इसमें कितने यात्रियों ने टिकट ले चुके हैं, कितने यात्रियों की आप स्कैनिंग कर चुके हैं? मेरे पास अभी तक 18 आदमी आ चुके हैं, उनकी स्कैनिंग कर चुके हैं और उनका टिकट के लिए बोल दिया है, वो टिकट लेकर गाड़ी में बैठ रहे हैं। गाड़ी में जो बैठने की व्यवस्था है आप क्या खड़े करके भी ले जा रहे हैं या जितनी सीटें हैं उतने ही टिकट दिए जा रहे हैं? हाँ, प्रशासन ने आदेश दिया है, सीट से ज़्यादा एक भी सवारी को नहीं बिठाना है, खड़े किसी भी परिस्थिति में नहीं ले जाना है और जहाँ हमें स्टॉपेज निर्धारित किया है उसके अलावा रास्ते में सवारी उतारना भी नहीं है और बिठाना भी नहीं है। बता दें आपको इससे पहले कि जो देवली के लिए जो गाड़ी जानी थी वो गाड़ी निरस्त हो गई है क्योंकि उसमें पैसेंजर नहीं मिले। अभी भीलवाड़ा में आज पहली बार गाड़ियों का संचालन हो रहा है, 4 गाड़ियों का संचालन हो रहा है और जिसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड पे भी उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जो गाड़ी के अंदर सवारी करेंगे या पैसेंजर हैं, बाकी को बाहर ही रोका जा रहा है। कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ योगेश शर्मा, A1 TV भीलवाड़ा।